अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलीजान, एक बार फिर आपके साथ बीएससी इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे मौजूद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मामूल डे बाय डे विद द बेस्ट ऑफ टाइम वक्तन फवक्तन एक तीन टॉपिक लेके आते हैं और आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो इसी तरह आपको ये भी मालूम होगा कि कई दिनों से जो हमारी सीरीज चल रही है वो है स्पेशल ग्रामर। यानी इस सेशन में हम करेंगे क्या, इस सेशन में हम ये करेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ग्रामर को टच करेंगे, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है वो स्पेशल रिक्वेस्ट है फ्रॉम बीएस फर्स्ट वसुन्ना, बीएस फर्स्ट फ्रॉम हजारा यूनिवर्सिटी, कि सर प्लीज स्पेशल ग्रामर हमें पढ़ाएं। हमें टीचर पढ़ाते हैं, समझ तो आती है लेकिन हम ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, तो इसलिए हमें स्पेशल ग्रामर पढ़ाएं ताकि हम आपके सेशन को ज्वाइन कर सकें और हम इससे फायदा उठा सकें। तो इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है स्पेशल ग्रामर की तरफ। तो आज के जो है हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो आज जो तीसरे नंबर पर है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस है क्या, अ सेंटेंस व्हिच हैज सिंपल स्टेटमेंट, इसका पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जांपल, मैं सर रिवीजन कर रहा हूं ताकि अगर आप न्यू यूज हैं तो बहुत अच्छा आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगर फिर भी आप न्यू यूज हैं, यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर यहीं की पे आपको लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं कि अ सेंटेंस व्हिच हैज या अ सेंटेंस व्हिच गिव्स सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा स्टेटमेंट आपको दे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ना आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें सिंपल सेंटेंस है, यानी आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस है। या आई ईट द राइस, सिंपल सेंटेंस है, आप पॉजिटिव सेंटेंस है। या आप ये भी कह सकते कि आई गो होम, आई राइट विद अ मार्कर, ये भी सेंटेंस है। तो सेकंड नंबर पे जो था वो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अ सेंटेंस इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवाल जुमला है जिसे हम कहते हैं अपनी जुबान में उर्दू में। तो उसमें होता क्या है, उसमें क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि इन विच क्लास डू यू रीड, सेंटेंस में आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। या आपके सामने के व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, डू यू लिव इन मासेरा, क्या मासेरा में रहते हैं। या मैं वही आपको एग्जांपल देता हूं जो मैंने कल आपको बताई थी कि डू यू लव मी, क्या मुझसे प्यार करते हैं। तो आज जो हमारे तीसरे नंबर पर है वो इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस को टच करने से पहले मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन आएगा, उसे भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहीं पे एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसे भी ऑन कर लें ताकि हमारे रोजाना की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें और आप कामयाब कामान पाकिस्तानी बन जाए। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज जो तीसरे नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, याद रखना, जब भी आप सोचते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं पूरे टॉपिक को मुकम्मल तरीके से समझ दूं, तो आपको चाहिए कि टाइटल को समझ दें, जो टॉपिक होता है उसको समझ दें। इंपेरेटिव सेंटेंस याद रखना, इंपेरेटिव कहते हैं कमांड, यानी ऐसे जुमले जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं। इस जुमले हम कहते हैं कि ऐसे जुमले जिनमें हम किसी को हुक्म देते हैं, एक, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, दो, तीसरी बात यह है कि किसी को मशवरा देते हैं, किसी को नसीहत करते हैं, बुरे काम से रोकने के लिए हम नसीहत करते हैं किसी को, तो इसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तीन काम करेंगे इसमें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। अब यहां पे आपकी कंफ्यूजन पैदा होगी कि सर एन क्यों लगाए हैं, शायद आपको पता भी है एन यहाँ क्यों लगे, आप कहते हैं यहाँ पे वाउल आए, याद रखना ये वाउल का वाउल नहीं है, वाउल सिर्फ पांच है, ए ई आई ओ यू, लेकिन नहीं सिर्फ ये पांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कंसोनेंट होगा लेकिन हम उससे पहले एन लगाएंगे, जिससे हम कहते हैं एन आर, एच ओ यू आर। ज्यादातर लोग इसे मिस ब्लंडर करते हैं, मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि वो कहते हैं कि एनहावर, एनहार, इस तरह करते, लेकिन एच प्रोनाउंस नहीं करते यहाँ पे। तो एन इसलिए लगाया क्योंकि आगे ए ए अलिफ की आवाज दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन लगाए। वाउल का कंसेप्ट कोई नहीं है, याद रखें वाउल हो या ना हो, लेकिन सिर्फ हमें आवाज किसकी होनी चाहिए, अलिफ की आवाज होनी चाहिए, यानी वाउल की आवाज होनी चाहिए, चाहे कंसोनेंट हो या वाउल हो, उसका कंसेप्ट कोई बात नहीं है। लेकिन हम एन उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका पहला हर्फ वाउल तो हो लेकिन अगर कंसोनेंट क्यों ना हो, कंसोनेंट भी हो तो कोई बात नहीं है, कंसोनेंट हो लेकिन साउंड किसकी दे, वाउल की दे, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाते हैं, एन एडवाइस। A sentence which expresses order, हुकुम देते हैं, request किसे इल्तिजा करते हैं, कोई चीज मांगते हैं, आर एन एडवाइस या किसी को मशवरा देते हैं या किसी को नसीहत करते हैं, इस कार्ड इन इंपेरेटिव सेंटेंस हुक्म में जुमला कहते हैं।
एग्जांपल मैंने लिखी है गो जाओ गो हम हुक्म दे रहे हैं किसी को सबसे पहले मैंने इसी के मुताबिक लिखे ऑर्डर है तो पहले मैंने ऑर्डर लिखे गो आप उसको कहते हैं ना ना यू कैन गो 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 कहते हैं ना हुक्म देते हैं कमांड देते हैं ऑर्डर देते हैं तो उसको कहते हैं गो जाना जाओ ऑर्डर है रिक्वेस्ट गिव मी अ पिन प्लीज मेहरबानी करके मुझे एक पिन दे दें आप किससे पिन मांग रहे हैं एग्जाम हो रहे हैं तो आपके पास पिन नहीं है स्याही खत्म हो चुकी है तो आप मजबूर किससे मांग लें तो किससे आप कहते हैं कि प्लीज गिव मी अ पिन मुझे मेहरबानी करके मुझे एक पिन दे दें तो ये गिव मी अ पिन प्लीज आप किससे इंतजार कर रहे हैं यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जो है एडवाइस किसी को गलत काम से मना करने के लिए किसी को फायदे का काम बताने चाहते हैं तो आप उसमें एडवाइस करते हैं किस तरह डोंट वेस्ट द टाइम वक्त को जाया मत करें क्यों अगर वक्त को जाया कर ले तो इसमें उसका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोबारा मैं दोबारा रिवीजन करता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस गो जाओ ऑर्डर है गिव मी अ पेन प्लीज रिक्वेस्ट है डोंट वेस्ट द टाइम एडवाइस है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें दोस्तों शेयर करने से क्या फायदा होगा शेयर करने से यह फायदा होगा कि इससे आपके दोस्त हमारे फायदा उठा सकेंगे अगर इसी वीडियो से आपके दोस्त हमें फायदा उठाएंगे तो आप इंशाल्लाह अज़ीज आप भी इस हदीस के मुताबिक हो जाएंगे कि खैरुन नास मेन फौना मैं बार बार इस हदीस को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के दौर में गुनाह के लिए दावत नहीं देनी पड़ती याद रखना गुनाह के लिए दावत नहीं देनी पड़ती लेकिन नेकी के काम के लिए दावत देनी पड़ती है तो इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और देखने के बाद इसको शेयर जरूर करिएगा कोई मसला भी हो ग्रामर के लिहाज से तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा और कल मैं आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपके लिए वीडियो क्रिएट करूंगा जो कि बहुत ही यूजफुल होगी अपने दुआओं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा आज के लिए इतना ही काफी है अल्लाह हाफिज़।